Sharad Yadav ji, thank you very much for talking to us. You've been here in Karnataka, in Bangalore for the last couple of days. And you've seen the hectic political activity that has been happening. What is the sense that you get? Who do you think has the advantage here in Karnataka? You are such a experienced political leader, and I think you have your own sources and you have your own way of assessing situations. So what do you think is going to happen in Karnataka? No, I'm talking to people too. I'm talking to the Congress, लोग यहाँ के हैं. यहाँ तो हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी. हेगड़े साहब चीफ मिनिस्टर थे, बोमई साहब थे, जे एच पटेल थे, फ्रॉम अवर पार्टी देवेगौड़ा इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर. तो मैं यहाँ की स्थिति जानता हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ, और कलेक्ट यानी सब लोगों से इंटरेक्शन करके सिचुएशन को वॉच करने में आया हूँ. हाँ, तो मैं मानता हूँ कि इस समय रणनीति के तहत मैं कुछ बोलना ठीक नहीं मानूंगा. राइट. तो मैं मानता हूं कि यहाँ देश जो है वो पूरे देश की तरफ से कोई सारा देश वोट नहीं डाल रहा. ये कर्नाटक के जो लोग हैं उनके हाथ ये मौका आया हुआ है, और ये जो कर्नाटक का चुनाव ये हिस्टोरिकल होगा. एक तरह से सेमीफाइनल का एक ठिकाना ये भी होगा. राइट. तो यहाँ जो है वो बीजेपी मस्ट बी डिफीटेड. ये हमारा जो ये चैलेंज हमारे सामने, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ डिफीटेड. बट देर इज द जनता परिवार हियर सर, एंड देर इज ऑल्सो द कांग्रेस. सो बोथ ऑफ देम क्लेम टू बी सेक्युलर फोर्सेस, एंड देर इज बीजेपी ऑन द अदर साइड, एंड यू आर also part of the Janata Parivar. So who are you inclined towards? Are you inclined towards supporting the Congress, or are you inclined towards supporting your old socialist friend Mr. H.T. Devegowda? देखिए सवाल ये है ना कि अभी मैंने आपसे कहा कि जो रिश्ते हैं, हाँ, और जो हमारे पुराने सब एसोसिएशंस हैं, आज देश की जो विकट परिस्थिति है उसमें हमारे सामने, हम जब हमारी बिहार में हमारी पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार, उन्होंने 11 करोड़ लोगों ने जो 2/3 बहुमत से हमको जिताया था, राइट, वो आदमी डिफेक्ट कर गया. तो उस समय अकेले हम खड़े हो गए. हमारा तो बहुत पुराना संबंध था, लेकिन रिश्तों की बात नहीं है आज, तो देश की बात है. देश की बात है. इसलिए यहाँ बीजेपी को कौन हराएगा, तो आई एम बिजी विथ, आई एम इंटरेक्शन विद देम, विद देम. और अभी तक मैंने कोई तय नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि हम अभी, चाहे वो आपका जयपुर में चुनाव हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, राइट, तो कांग्रेस के लिए मैंने कंपेन किया. राइट. एक बात ये भी है कि गुजरात में कांग्रेस और हमारा अलायंस था. हमें 4 सीट मिली थी वहाँ. करेक्ट सर. उसमें हमको दो सीट और वो जीत, दो सीट हम बहुत मैसिव मेजोरिटी से जीते. एक सीट तो हम 60,000 वोट से जीते. राइट. एक 25,000 वोट से जीते. एक तरह से कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेजेंस. करेक्ट. एक प्रॉब्लम ये भी एक हकीकत है. और दूसरी तरफ ये कि जो पुराने हमारे साथी भी हैं, जनता परिवार के, जनता परिवार का भी है, तो हमारे जो लोग हैं, जो स्टेट यूनिट है, वही ज़्यादा तय करता है. हमारी पार्टी में कल्चर है कि ऊपर से हम लोग तय नहीं करते. हमारा स्टेट यूनिट जो है, तो वर्कर्स की मेरी मीटिंग हुई थी कल. करेक्ट. काफ़ी बड़े पैमाने पर वर्कर्स आए. यानी जनता दल जो है वो यहाँ हेगड़े साहब चीफ मिनिस्टर थे, देवेगौड़ा थे, जे एच पटेल, देवेगौड़ा जी चीफ मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो हमारी पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग थी. करेक्ट. लेकिन आज भी उसका वर्कर पूरी जगह फ्लैश खत्म हो गया है, लेकिन हड्डियाँ सब जगह कायम है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सब जगह था. कल वहाँ लगभग 700-800 आदमी वर्कर्स था. राइट. उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया, कई बोले भी वो. राइट. तो मैं मानता हूँ कि हमारी पार्टी का जो कल्चर है उसमें पार्टी की जो स्टेट यूनिट है दैट डिसाइड्स दी, डिसाइड्स दी. राइट. But what would your advice be to Siddaramaiah, your old friend,
आपने ठीक सवाल किया। हाँ। सिद्धरमैया जो है, हाँ, वो भी मेरे 30 साल के साथी है। राइट, ही वाज वेरी क्लोज टू मी आल्सो। राइट, तो ऐसा है ना कि वो आज यहाँ नहीं, लेकिन सिद्धरमैया जो है वो उनके साथ कर्नाटक में बहुत क्लोज रिलेशन मेरे रहे हैं। तो यहाँ बड़ी है ना मेरे लिए खास करके काफी यानी दिक्कत का मामला है। यू हैव टू मेनी फ्रेंड्स एंड यू डोंट नो व्हिच साइड टू लुक एट। सो देयर इज अनदर कोलीग ऑफ योर्स फ्रॉम कर्नाटका, जॉर्ज फर्नांडिस। ही इज अनफॉर्चुनेटली नॉट वेल दीज डेज। And George Fernandes played a very important role in bringing the NDA coalition together when Vajpayee was the Prime Minister and you were a Union Cabinet Minister at that time. Now, some people say that you may play a role that George Fernandes played for NDA on the side of the UPA. Do you envision that kind of a role for yourself where you will be bringing all secular parties together? No, ye jo George saab jo hai wo, वो एनडीए का काम करते रहे। right. लेकिन उनके बीमार पड़ने के बाद एनडीए का कन्वीनर हम भी वो उनका जो लिगेसी है उसको हमने आगे ले गए। right. लेकिन ज़्यादा हमारा काम जो है यूनाइटेड फ्रंट जो है उसमें हम लोग ज़्यादा करते रहे। right. उसमें बीपी सिंह बने, फिर देवगौड़ा जी बने, फिर आपके गुजराल साहब बने। right. तो जो लोगों को अपोजिशन को यूनाइट करने का काम जो है वो जार साहब भी करते थे, हम भी करते थे। राइट। और कॉमरेड सुरजीत। राइट सर। एंड चंद्रबाबू नायडू। करेक्ट। एंड बीपी सिंह। राइट। तो यूनाइटेड फ्रंट है, ये सारी जो पार्टियां हैं, 3-4 प्राइम मिनिस्टर जो बने। राइट। ये 3-4 लोग हम लोग सक्रिय रहते थे। राइट। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेम कंपोजिट कल्चर, उसको हम लोगों ने जो हिंदी पट्टी उसके लिए जो ट्रांसलेशन किया है कि साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, सम्मेलन। राइट। तो वो हमने किया है दिल्ली में 17 अगस्त को 2017 बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें 21 पार्टी आई थी। वो हम लोगों ने जयपुर में किया, राजस्थान में वो किया 30 अगस्त 2017। देन अगेन वी हैव हेल्ड ए बिग साझा विरासत बचाओ सम्मेलन इन बम्बई। राइट। इन शंकराचार्य हाल, ऑल अपोजिशन आर देयर इन फोर प्लेसेस, ऑल अपोजिशन। राइट। एंड सोनिया जी हैज कॉल्ड 3 मीटिंग्स। राइट। वी ऑल कलेक्टेड, वी हैव ऑल ज्वाइन एंड वी हैव डिसाइड टू फाइट इन पार्लियामेंट आल्सो इन स्ट्रीट आल्सो। नहीं हो सकती है ये यूनिटी जो है, मैंने आपको बताया कि इतने दौर से गुजर चुकी है। तो एकता जो है वो सारी पार्टियां महसूस कर रही है, अपनी अपनी कठिनाई है। राइट। लेकिन सारी पार्टियां महसूस कर रही कि देश का जो संविधान है, देश की जो आज़ादी की लड़ाई का जो एक तरह से संविधान जो है right. बहुत कुर्बानी के बाद आया। राइट। वो सब खतरे में है। हर पार्टी महसूस कर रही है कि जो राह और रास्ता बीजेपी ने पकड़ा है वो सिर्फ हिंदू कम्युनलिज्म का है, यानी वो बंटवारे का है। एक बार बंटवारे से देश बट गया है, यानी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे एक साल में नौजवानों को, उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे और 1.5 गुना दाम देंगे किसान को, उन्होंने कहा था 15 लाख बाहर से काला धन लेके आएंगे और हर आदमी के उसमें 15 लाख जमा करेंगे अकाउंट में, सबका साथ सबका विकास, वो सब यानी एक चीज जो है वो एक बात भी नहीं माने। सिर्फ 24 घंटे अभी पंजाब आपका बंगाल आपके बिहार में, राइट, यानी किस तरह का दंगा वो करा रहे हैं, प्रे मैनेज है, यानी एक ही मुद्दा उनका है कि देश में हिंदू मुसलमान करो, पोलराइज करो। और जब यानी वर्कर्स बुलाते हैं देश भर से, जब वो वर्कर्स किसी के घर जाकर ठहर जाते हैं
तो वहाँ कास्ट कन्फ्लिक्ट कराते हैं, करेक्ट, फिर जातियों के बारे में कन्फ्लिक्ट कराते हैं, यानी कल्ट कन्फ्लिक्ट कराना, बांटना, यानी देश में जो है वो पूरे देश भर में वो सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास, उनका इकोनॉमिक माइंड ही नहीं है, सिर्फ कम्युनल माइंड है। सो दिस ऑपोजिशनल यूनिटी इज अ गिवन नाउ, एवरीबॉडी इज, यू सेड एवरीबॉडी इज फीलिंग the heat of the BJP's communal politics, they're all coming together, all of that is fine, but do they want to come under a new front which the Telangana chief minister spoke about, federal front, or are they willing to come under the UPA which is already in existence? Then maine aapse kaha ki char to hum logo ne same composite culture kar liya, right, wo sare opposition ke log the, Sonia ji ke ha hum logo ne Shivaji यूपीए की चेयरमैन पर्सन थी, आज भी है वो, उन्होंने तीन बार मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी हैज पार्टिसिपेटेड, बट सम ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज सर आर ओपोज्ड टू द कांग्रेस, दे से नो हु, आई मीन फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर राव ऑफ तेलंगाना, नो ही इज नॉट इन ऑपोजिशन, नो बट ही हैज ऑलरेडी स्पोकन टू ममता बनर्जी, ही कैन गो टू ममता बनर्जी, बट व्हेन ममता बनर्जी हैज कम टू दिल्ली लास्टली शी हैज टोल्ड कैटेगरिकली के वन टू वन, राइट, मैं सोनिया जी से मिलने के बाद, राइट, उन्होंने जाते हुए कह दिया कि वन टू वन होना चाहिए, राइट, तो जो चंद्रशेखर राव मिले थे उसका कोई माने नहीं है, राइट, ओके, और ये जो आपका थर्ड फंड नहीं बन सकता, कोई फेडरल फंड नहीं बन सकता, हाँ फेडरल फंड में कांग्रेस और बाकी लोग सब लोग हैं, यानी टोटल अपोजिशन होना जरूरी है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, राइट, ये आज देश की, हाँ इंक्लूडिंग कांग्रेस, ये देश के सामने बड़ी चुनौती है, ये संविधान जिसके लिए इतनी कुर्बानी हुई है, इतना सेक्रीफाइस हुआ है, आज वो इन डेंजर है, तो इसलिए पार्टी से बड़ी बड़ा देश होता है, तो सारी अपोजिशन पार्टी के साथ हमारा तो इंटरेक्शन सबसे चलता है, राइट राइट, लेकिन आज देश खतरे में है, राइट, यानी इनका आदमी जो यहाँ अनंत हेगड़े है वो कहता हम आए इसलिए है कि संविधान बदलेंगे, राइट, और ये तो अनंत हेगड़े को चूंकि कर्नाटक के लोग जानते हैं, लेकिन आप गिरिराज, राइट, आपके राज किशोर, यानी निरंजन ज्योति, मैनी पीपल इन बीजेपी एवरी डे दे आर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कंपोजिट कल्चर, इज ए रीजन रिलीजन हिजे कास्ट, तो हमारे फोर फादर्स ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कंपोजिट कल्चर का संविधान बनाया, वो संविधान खतरे में है जिसके लिए इतनी कुर्बानी हुई है, यानी झांसी की रानी से लेकर टीपू सुल्तान तक और 47 तक कितने लोग जेल गए, फांसी चढ़े, तो ये इतनी कुर्बानी के बाद इस देश के लोगों को और जिस देश की जनता मालिक है संविधान में, द पीपल्स आर मास्टर। So the interesting situation that is emerging in your own state of Bihar is Mr. Nitish Kumar, who is the chief minister, turned his back to all the secular forces and went back to join the BJP. And now he is in a very difficult situation. Bihar is burning, as you know. Communal violence has spread. He does not know what to do. Will you accept him if he comes back to the secular front that you're speaking about? No, I want to say. कि जिस समय एनडीए से जब वो बाहर जा रहे थे तब मैंने बहुत परसू किया कि डोंट गो, बिकॉज दैट एनडीए वाज अटल अडवाणी, राइट, दे आर वेरी मच यानी संविधान के मानने वाले लोग थे, दे आर बिलोंग्स टू बीजेपी, मैंने बहुत कोशिश की कि एनडीए मत छोड़ो, मगर वो नहीं माने, एनडीए छोड़ने के बाद कई जगह जमानत जब्त हो गई, सेपरेटली जब हम लोग लगे, फिर इस बार भी मैंने बहुत कोशिश की, तीन चार दिन पहले उनसे कहा था खबरदार बीजेपी में नहीं जाना, उनकी बातचीत से मुझे लगा कि बीजेपी में जाने का उनका मन है, मैंने कहा खबरदार, मैंने वार्न किया था उनको और वो चले गए। अब जो आदमी इतनी बार चीज जो इधर से उधर हो गया वो इतना बड़ा यानी दो तिहाई बहुमत से जो हमने महागठबंधन उसमें इनको बहुत आसानी से लीडर नहीं मान रहे थे लोग, यानी आरजेडी के लोग कह रहे थे कि भाई ये आदमी तो हमको लालू जी बोले कि हमको इसने जेल करवाई है, ये केस करवाया है, सब लोगों ने मिलकर के इनको यूनाइटेड फ्रंट का
लीडरशिप दे दी। इसके बाद से आदमी ने 11 करोड़ लोगों ने जो 2/3 बहुमत से बीजेपी को हराया, जो हर जगह जीत के आ रहे थे, वहाँ की जनता को 5 साल के लिए इन्होंने 7 पॉइंट प्रोग्राम दिया। फिर बीजेपी, कांग्रेस और RJD वो महागठबंधन में थे, उनको धक्का मार कर निकाला। और जो बीजेपी के लोग कह रहे थे मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो संघ मुक्त भारत कह रहे थे, राइट, देन ही ज्वाइन बीजेपी। सो हु विल बिलीव, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, हु विल बिलीव, हु विल टेक द गारंटी। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिज पॉलिटिकल फ्यूचर? सो यू थिंक इट्स ओवर? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट ही, यानी वो बहुत नुकसान किए देश का, और पर्टिकुलरली मेरा बहुत नुकसान, मुझे बहुत दिक्कत में डाला उन्होंने। यानी मैं जो है वो सब कुछ उनको दे दिया था जिम्मेदारी, तो देश के खातिर मुझको चारों तरफ घूमना पड़ रहा, और पार्टी को लेके चले गए वो, यानी बीजेपी इज हेल्पिंग हिम, यानी उनको मदद कर रही है, चुनाव चिन्ह 2 मिनट में उनको दे दिया, मेरे सारे दफ्तर बंद हो गए, और मैंने जमीन लेके रखी थी पार्टी के नाम पे बसंत कुंज में, वो 100 करोड़ की जमीन। तो जो 40-50 साल से जो पार्टी, जो दफ्तर मेरे पास था, जो सारे एसेट्स थे, वो सब लेके चले गए। वो तो होते रहता है, लेकिन उन्होंने आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, ही बैकस्टैब वो सेक्युलर फोर्स किया, वो देश की जनता के खिलाफ काम कर दिया, 11 करोड़ लोगों का विश्वास जो है उसको कुचल के वो चले गए। सो नाउ ही इज रिग्रेटिंग इज व्हाट यू से, इज ही रिग्रेटिंग? आई डोंट नो ही इज रिग्रेटिंग या नॉट, राइट, बट इज बिहार मिसिंग लल्लू जी? Because he's in jail now. Yeah, he's in jail. But we are there. Right. And all workers and all, उनके साथी जो सब हम लोग हैं बाहर हैं। One बीमारी जरूर दिक्कत वाली। बीमारी, you think his illness is going of some concerns? Many sugar भी है उनको, और heart operation हुआ है। तो वो जो है वो चिंता की बात है। So you're concerned about? तो इसलिए वो अभी दिल्ली आ गए हैं, मैं सोचता हूँ यहाँ उनका ठीक से इलाज हो सके। And they brought him by a train and so that was, there is some, उन्होंने ब्रेन प्लेन से अलाउ नहीं किया। Right. And you think that was inhuman to do that for a leader who is suffering and who has been the chief minister of that state, not to allow him to travel by aeroplane? अब तो देखिए ये सरकार जो है वो तो बिल्कुल, यानी जो 70 साल का जो ट्रेडिशन है पॉलिटिकल, वो तो मानती नहीं है। ये तो बिल्कुल विंडिक्टिव गवर्नमेंट है। राइट। ये तो किसने किसी को कुछ किया भी नहीं तब भी उसको फंसाती है। right. यानी अपोजिशन में सब लोग करप्ट है। right. और इनके यहाँ व्यापम हो जाए, इनके यहाँ उनका जो जो प्रेसिडेंट है अमित शाह, उसका बेटा बहुत 2 मिनट में पूंजी बना ले आपका, है ना, वो हर चुनाव में कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने जो इलेक्शन है उसको कितना महंगा कर दिया है। दे ऑल्सो बिहेव्ड बैडली विथ योर राज्यसभा मेंबरशिप। डज दैट हर्ट यू सर? नो, आई हैव रिजाइन 3 times, राइट, बट दिस टाइम दे हैव एक्सपेल्ड मी, राइट, आई एम द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, करेक्ट, आई हैव लाइफ टाइम अचीवमेंट, राइट, ओ मुझको ना एथिक्स कमेटी में, ना प्रिविलेज कमेटी में, डायरेक्टली ही हैज रिमूव्ड मी, कोर्ट हैज स्टे, राइट, एंड आई हैव टेकन 11 times, नोबडी इन दिस कंट्री, बट ही हैज नॉट गिवन नेचुरल जस्टिस टू मी, सो नॉट, आई एम नॉट वरीड अबाउट मी, बट यू वरीड अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर, हाउ द MP, द 11 लैक्स 15 लैक्स पीपल आर इलेक्टिंग हिम, द 40 MLA आर इलेक्टिंग द राज्यसभा मेंबर, राइट, एंड यू बिहेविंग लाइक इन दिस? This has never happened. Right. Any chairman has not done this. But this man has done this. He has acted in a partisan way, you say? Yeah. He is a partisan. Right. He has done, mysteriously he has done this thing. Right. He was very close to me. Huh. But he has done this thing. And he has done that on the instruction of the party. It may be possible. Bahar ke kisi, jo log, जो बिहार में मैंने स्टैंड किया है, मैं तो 11 करोड़ लोगों ने के साथ जो विश्वास किया था, जो वचन दिया था, जो करार किया था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। भले मेरी छाया भी मेरे साथ छोड़ दी। फिर उन्होंने कहा था कि भाई आप कोशिश की उन लोगों को मैं मंत्री बन जाऊँ भारत सरकार में, मैंने कहा नथिंग डूइंग,
तो इसकी वो सजा मुझको दे रहे हैं। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ करके लोग तो कितने फांसी चढ़ गए। तो मैं तो 11 बार 11 टाइम्स मेरा ओथ हुआ है, मैं भी देश के लिए नहीं खड़ा हुआ तो कौन खड़ा होगा। दैट्स वेरी लॉडेबल सर। टू लास्ट क्वेश्चंस, वन इज रिलेटेड टू कर्नाटका व्हिच इज आर यू इन टच विद देवेगौड़ा जी? नहीं, देखिए मेरा लाइव कॉन्टेक्ट एवरीबडी है ना, मेरे लॉन्ग एसोसिएशन जो है वो आपके सिद्धरमैया से right. और लॉन्ग एसोसिएशन आपके देवेगौड़ा जी से right. तो ये जो है उनसे इंटरेक्शन जो है वो लगातार होते रहता है। वो दैट इज नॉट द बिग क्वेश्चन, बट हियर द कंट्री इज इन, देश जो है वो दिक्कत में है, खतरे में right. तो असली बात यह ना कि रिश्ते और पार्टी इन सबसे ऊपर आज देश का लोकतंत्र लोकशाही जो है वो खतरे में है। बट एज अ सीनियर फ्रेंड ऑफ बोथ दीज पीपल, सिद्धरमैया जी एंड देवेगौड़ा जी, यू आर इन अ पोजिशन टू टेल देम टू कम टुगेदर टू फाइट कम्युनल फोर्सेस, यू एडवाइस देम? मैं करते रहा हूँ, लेकिन यदि एक ना हो तो मैं कर्नाटक की जनता से कहूँगा कि इस बीजेपी को हराने का वो काम करें। राइट, डिफीट दिस बीजेपी। राइट, ये जो है ये इसको हराना, इसलिए कि ये संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान को ही खतरा बन गई है। राइट, इसका मंत्री कहता है अनंत हेगड़े। राइट, हम आए इसलिए है कि संविधान बदले। राइट, लास्ट क्वेश्चन सर, यू हैव वर्कड विद वाजपेयी जी एंड यू हैव सीन द मोदी रेजिम, यू हैव बीन इन वाजपेयी जी कैबिनेट, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस दैट यू सी बिटवीन वाजपेयी जी एंड नरेंद्र मोदी जी? देखिए वाजपेयी जी और अडवाणी जी, ये लोग जो हैं वो हमारे पास, हम लोग नेशनल एजेंडा था, तो जो विवादास्पद कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो परे थे, वो हमारे पास के थे या उनके पास के थे। 370 राइट, कॉमन सिविल कोड, मस्जिद मंदिर राइट, ये नेशनल एजेंडे में था कि इन पर कोई चर्चा नहीं होगी, और उन्होंने जब वो दोनों लोगों ने कभी इसको टच नहीं किया। राइट, आपको मालूम हो गया हुर्रियत के लोगों से कितनी बार अडवाणी जी ने बात की। करेक्ट, यानी अडवाणी जी, अटल जी और अडवाणी जी में और इनके दोनों के बीच फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी और इनके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो है वो एक तरह से शून्य से शिखर है, ये बिल्कुल अपोजिट है, एंटीथेसिस है ये। राइट, ओके सर, थैंक यू सर, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, and we'll stay in touch and probably I'll get an opportunity to talk to you again welcome, before you, 2019. Thank you very much, sir. Welcome.